हम में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो रिस्क लेने की काबिलियत रखता हो। कई सारे लोग रिस्क लेते हैं, कई सारे लोग रिस्क नहीं भी ले पाते। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं और अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के फेज में हैं, या आप इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तब भी ये बुक समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक समरी हमें ये बताने वाली है कि हम जो प्लान बना रहे हैं वो सिर्फ हमें जिंदगी में पैसा कमा करके देगा या फिर हमें खुशियां भी देगा, क्योंकि बिना खुशी के पैसा कमाना लाइफ में खालीपन महसूस कराता है। हमारा कमाल का आइडिया प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम करेगा कितना नहीं, ये बात जानने और समझने के लिए आज की बुक समरी आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो आज की बुक समरी है विल इट फ्लाई, हाउ टू टेस्ट योर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी बाय पैट फ्लिन। यानी आप अपने अगले बिजनेस आइडिया को कैसे टेस्ट करें ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद ना हो। पैट फ्लिन एक अमेरिकन इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस ओनर है, जिनका स्मार्ट पैसिव इनकम नाम का एक फेमस ब्लॉग है। पैट अपने ऑनलाइन बिजनेस में अच्छे पैसे कमाने के लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम में अपने अनुभव को सिखाते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। उनका मकसद यह है कि जो कोई भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है वो उसे हकीकत में बदलने में उसकी मदद कर सके। तो भले ही आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो, या आपके पास एक नया प्रोडक्ट बनाने का या नई सर्विसेज देने का आइडिया है, तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत काम की है। आइए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए विल इट फ्लाई बाय पैट फ्लिन। क्या आप एक मजबूत एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास एक अच्छा आइडिया है जिसे आप ट्राई करने के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहते? मगर जरा रुकिए, हमारे पास कुछ लेसन्स हैं जिन्हें आपको पहले सीखने की जरूरत है। इस बुक में पैट फ्लिन आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन शुरू करने के बारे में वो जरूरी सभी चीजें सिखाएंगे। वो आपको एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको अमीर बनाएगा बल्कि आपको फ्यूचर में खुशियां भी देगा। पैट का मानना है कि खुशी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैसा कमाना नहीं। इसीलिए वो आपके फ्यूचर के सपनों और तमन्नाओं के लिए एक बिजनेस आइडिया तैयार करने में आपकी मदद करेंगे। एक बार जब आपको अपना आइडिया मिल जाएगा तो आप सीखेंगे कि उसे टेस्ट कैसे करें, अपने ऑडियंस को कैसे जमा करें, अपने कस्टमर्स को कैसे स्टडी करें और अपने बिजनेस प्लान को कैसे परखें। इस बुक से आप जो भी सबक सीखेंगे वो कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कारगर साबित हो चुका है। पैट फ्लिन ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में एक जादूगर हैं और उन्होंने ये जादू आपको सिखाने के लिए ही ये बुक लिखी है। तो फिर क्या आप तैयार हैं जर्नी पर चलने के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं मिशन डिजाइन। लेकिन आपके सफर की शुरुआत होने से पहले ये बात जान लीजिए कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ से जलन महसूस करते हैं, क्योंकि इन जांबाज लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को खोने की कला में महारत हासिल की है। एंटरप्रेन्योर को आमतौर पर बहादुर और भाग्यशाली के रूप में देखा जाता है, लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर इतने खुश नहीं हैं। पर कुछ एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे ये सोचकर अपने बिजनेस को शुरू करते हैं कि उनकी लाइफ बदलेगी और बेहतर होगी। वे उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा बिजनेस खुशियों से भरे और अच्छी जिंदगी के बराबर है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। उसी तरह की खुशी पाने के लिए आपको एक बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो आपकी कोर वैल्यूज और लाइफस्टाइल से मेल खाता हो। यही कारण है कि मिशन डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट कदम है जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले उठाना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के हर गोल को, जो कि आप अपनी लाइफ के अलग अलग पहलू पर अचीव करना चाहते हैं, सभी को बैठकर लिखना चाहिए। फिर एक बिजनेस आइडिया बनाने की कोशिश करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। जब आपका बिजनेस और लाइफ दोनों ही एक रास्ते पर साथ चलेंगे तो इससे आपको खुशी मिलेगी। आइए इस कहानी को देखते हैं। इस बुक के ऑथर फेमस हैं और उन्हें आमतौर पर रोजाना बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं। एक दिन उन्हें एक ईमेल मिला जिस पर उनका ध्यान गया। ईमेल जेम्स नाम के एक फैन का था और वो ऑथर को बता रहे थे कि वो हर महीने $20,000 कमाता है लेकिन फिर भी दुखी है।
जेम्स ने ऑथर को बताया कि वो उनका बहुत बड़ा फैन था और रोजाना उनके पॉडकास्ट को सुनता था। जेम्स ने उन्हें ईमेल भेजने का फैसला किया क्योंकि वो दुखी महसूस कर रहा था और उसके पास कोई बात करने के लिए भी नहीं था। जेम्स ऑथर के अच्छे स्टूडेंट थे। उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन बनाने के लिए उनके सभी सुझावों का पालन किया और वाकई में जेम्स ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में कोई कमी थी। जेम्स ने अपने ईमेल में बताया कि उनका एक बिजनेस बनाने का सपना था जिससे वो इतने सारे पैसे कमा सकें। लेकिन अब जब वो अपने सपने को सच करने में सक्सेसफुल हो गया था तो जेम्स को एहसास हुआ कि लाइफ में सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता। जेम्स ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने इस बिजनेस आइडिया को फॉलो करने से पहले रुककर यह सवाल नहीं पूछा कि वो अपनी जिंदगी से वाकई में क्या चाहता है। वो अमीर होने के सपने का पीछा कर रहा था पर अपनी खुशी के बारे में सोचना भूल गया था। इससे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो बन गया था जिसने बिजनेस के खेल में महारत हासिल की, लेकिन लाइफ के खेल में हार गया। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आप उस पर काम करने के लिए बेचैन हैं, तो अपने आप से ये पूछने के लिए एक मिनट रुकें कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। जब आपके पास इसका सवाल हो और इसके साथ ही आपके पास एक बिजनेस प्लान भी हो जो आपके पैशन की सच्ची डेफिनेशन को बयान करता है, तो आप अमीर और खुश दोनों हो सकते हैं। तो मिशन डिजाइन के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लेने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द एयरपोर्ट टेस्ट। आगे के चैप्टर में हम आपको आपके बिजनेस आइडिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे, पर आपको सिखाएंगे कि अपने बिजनेस को अपनी लाइफ के मकसद के अनुसार कैसे बनाया जाए। आपको जिस पहले टेस्ट की कोशिश करनी है उसे द एयरपोर्ट टेस्ट कहा जाता है। ये आइडिया एक हायरिंग प्रोसेस के दौरान आया था जिसे दुनिया की नंबर वन रियल एस्टेट कंपनी फॉलो करती है। इस कंपनी को केलर विलियम्स इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। जब वे किसी पोस्ट के लिए किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वे उनसे उनके टैलेंट और स्किल्स के बारे में नहीं पूछते। इसके बजाय वे उससे एक आसान सा सवाल पूछते हैं कि 5 सालों में आप खुद को कहां देखते हैं। ये कंपनी किसी ऐसे इंसान को खोजने की कोशिश कर रही है जो उनके गोल्स को हासिल करने में उनकी मदद कर सके। उनका मानना है कि कंपनी और एम्प्लॉई दोनों के विजन को क्रिएटिव वर्क एनवायरमेंट बनाने के लिए एक समान होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आप 5 साल में खुद को कहां देखते हैं। इस सवाल का जवाब देने में आपकी मदद करने के लिए ऑथर के पास एक बेहतरीन आइडिया है। सबसे पहले कागज के टुकड़े को पकड़ो और इसे ऐसे मोड़ो ताकि उसके 4 पार्ट हो जाएं। अब हर पार्ट में अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू लिखें। आपको सिर्फ इन 4ों को ही चुनना है, परिवार, पैसा, हेल्थ और लर्निंग। फिर हर पार्ट के लिए उन चीजों को सोचें जो आपसे 5 साल के बाद हो सकती हैं और अपनी लाइफ के इन एरियाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब आपने जो लिखा है उसके साथ अपने बिजनेस आइडिया को कंपेयर करें। अगर आपका आइडिया आपसे 5 साल बाद आपकी लाइफस्टाइल के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया खोजने की जरूरत है जो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ फिट बैठ सके। सोचिए कि आपको एक टाइम मशीन मिली है जो आपको फ्यूचर में 5 साल आगे ले जा सकती है। तो अब आप फ्यूचर में 5 साल आगे अपनी फ्लाइट के इंतजार में एक एयरपोर्ट पर बैठे हैं और अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हैं, क्योंकि आप दोनों के पास अभी भी अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए कुछ समय है। तो आप बैठकर कुछ देर बात करने की सोचते हैं। आपका दोस्त आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछता है तो आप उसे जवाब देंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और अभी आप अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बिता रहे हैं। आपका दोस्त आपकी खुशी से खुश होगा और वो इसके बारे में जानना चाहेगा, तो आप उसे क्या कहेंगे। यह सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल था जिसका यूज आप अपने फ्यूचर के सपनों से जुड़े रहने के लिए कर सकते हैं। तो अब उस कागज के टुकड़े को लेकर अपनी आगे की 5 साल की लाइफ में हो सकने वाले सभी कमाल के इवेंट्स लिखिए।
अपनी लाइफ के इन चार एरियाज में अपना ध्यान लगाएं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ठीक से देख सकेंगे कि आपका बिजनेस आइडिया आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो द एयरपोर्ट टेस्ट की सारी बारीकियों को समझने के बाद, इस बुक समरी को खत्म करने के बाद, आपको इस टेस्ट को करना भी है। लेकिन फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, योर 1000 ट्रू फैंस, यानी कि आपके 1000 सच्चे फैंस। बिजनेस शुरू करते समय ज्यादातर एंटरप्रेन्योर बड़े सपने देखते हैं। वो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बनाने का टारगेट रखते हैं जो दुनिया को बदल सके। अब इस तरह का सपना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है, खासकर अगर आप बिजनेस की दुनिया में नए हैं तो। इसके बजाय आप लोगों के छोटे ग्रुप्स को चुनें और उन्हें उनकी इच्छा, जरूरत और पसंदीदा चीज देने के लिए काम करना शुरू करें। एक बार जब आपके पास अपना बिजनेस आइडिया आ जाता है तो आपको अपने फैंस को समझने की जरूरत होती है। आप कुछ लोगों की लाइफ को बदलने पर ध्यान दें और फिर आप पैसे के मामले में और दुनिया में ज्यादा वैल्यू को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वायर्ड मैगजीन ने एक बार 1000 ट्रू फैंस टाइटल से एक आर्टिकल निकाला था। यह आर्टिकल केविन केली द्वारा लिखा गया था और 2008 में पब्लिश हुआ था। यह आर्टिकल जबरदस्त हिट साबित हुआ। इसने आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और यहां तक कि म्यूजिशियंस के साथ कई बड़े लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद की। यह आर्टिकल रीडर्स को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ 1000 वफादार फैंस की जरूरत है। आपका मकसद वायरल होना या किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो हिट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ 1000 फैंस के साथ अच्छा और मजबूत रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है जो सच में आपके साथ हों। केविन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि एक सच्चा फैन वो होता है जो आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है। ऐसे फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके काम पर विश्वास करते हैं। आप जो भी उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं, वे उसे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आप जो भी बनाते हैं, वे उसे अपनी रोज की जिंदगी में फॉलो करते हैं और आपके टैलेंट के दीवाने हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े सिंगर हैं, तो वे आपके अगले नए सॉन्ग को सुनने के लिए घंटों तक समय बिता सकते हैं। अगर आप केविन की तरह मैच करने की कोशिश करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आप अपने 1000 सच्चे फैन से हर साल $1,00,000 तक कमा सकते हैं। सोचें कि अगर हर फैन आपके प्रोडक्ट पर कम से कम $100 हर साल खर्च करता है, और आपके कुछ फैंस इससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉलोअर ग्रुप जो सच में आपसे प्यार करता है, वो हर दिन नए फैंस को लाना शुरू कर देंगे। कुछ सालों के बाद आप सोच सकते हैं कि आपके कितने ज्यादा फैंस होंगे और आप कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो हैं उसके लिए वो लॉयल बन रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट बनाते रहें जो आपके गोल या विजन का साथ दे। याद रखें कि आपके फैंस को भी आपके विजन से प्यार हो गया है और वे हमेशा आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सामान या अच्छी सर्विस देंगे। दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। आप सभी को खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते और ना ही पूरी दुनिया को अपने फैंस के रूप में बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपने सपनों को फॉलो करने, अच्छा प्रोडक्ट बनाने और अपने पहले 1000 सच्चे फैंस को अच्छे से संभालने का काम कर सकते हैं। और इस बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के बाद बढ़ते हैं हम आगे, द कस्टमर प्लान। अब अपने कस्टमर्स को गहराई से समझने का समय आ गया है। कुछ लोग आपको एक कस्टमर प्रोफाइल बनाने के लिए कहेंगे, जहां आप अपने कस्टमर्स की जरूरतों को बताएंगे। लेकिन ऑथर ने एक नया तरीका ढूंढा है जो आपको आपके फैंस की लाइफ को छूने वाले प्रोडक्ट को बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इस सिस्टम को PLAN यानी कि प्लान कहा जाता है, यानी प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज, एनेक्डोट्स यानी छोटी सी कहानी और नीड्स यानी कि जरूरत। सबसे पहले हम आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसकी आपके कस्टमर्स को जरूरत हो, इसके लिए पहले आपको अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम की पहचान करनी होगी। उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश करें। दूसरा,
भाषाएं यानी लैंग्वेज ये बताती है कि आपकी ऑडियंस अपने इंटरेस्ट को बताने के लिए कौन सी भाषा को चुनती है। हर ऑडियंस की एक अलग भाषा होती है जिसका यूज वे सवाल पूछने और अपनी शिकायतें बताने में करते हैं। एक बार जब आप उन कीवर्ड्स की पहचान कर लेते हैं जो वे ज्यादातर यूज करते हैं, तो आप अपने चुने हुए कस्टमर से सीधे बात करके अपना बिजनेस बना सकते हैं। तीसरा, एनेक्डोट, यानी वे कहानियां जो आप अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे और जो आपके बिजनेस आइडिया को उनके लिए भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। आखिर में नीड्स आपके कस्टमर्स की जरूरतों को बताता है। आइए सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम्पल पर एक नजर डालें। एक बार पैट को एक फूड ट्रक कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाने को कहा गया था। उनका गोल एक ऐसी वेबसाइट बनाना था जो उन फूड ट्रकर्स के लिए फायदेमंद होगी जो बिजनेस में नए थे, और उन लोगों के लिए भी जो इस लाइन में पहले से ही एक्सपीरियंस थे। पैट ने सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की जरूरतों और प्रॉब्लम को स्टडी करने की कोशिश की। पैट ने ईमेल के द्वारा उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। इस बिजनेस में आने से पहले वो कौन सी एक बात है जिसे आप पहले से जानना चाहते थे? पैट ने 250 लोगों को ईमेल भेजे। पहले हफ्ते के बाद सिर्फ 8 लोगों ने जवाब दिया। हां, उन्हें बहुत कम जवाब मिले थे, लेकिन पैट ने इन 8 ईमेल से बहुत कुछ सीखा। इनमें से एक जवाब ने पैट को बताया कि फूड ट्रक ड्राइवर ने अपने फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने से पहले परमिटिंग प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानना चाहा था। फूड ट्रकर ने लिखा था कि इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानने के कारण उन्हें उनके कॉम्पिटिटर्स ने पीछे छोड़ दिया था। एक दूसरे फूड ट्रकर ने लिखा कि वो चाहते थे कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो कि इस बिजनेस में कानून कितना शामिल है। एक फूड ट्रक को चलाने के काबिल होने के लिए पहले लाइसेंस, परमिट और कई दूसरे कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत होती है। तीसरे फूड ट्रक वाले ने लिखा कि किसी भी फूड ट्रक ड्राइवर को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपका ट्रक अचानक कभी भी खराब हो सकता है। यह शख्स सारे ट्रक ड्राइवर्स को यह सलाह देने की कोशिश कर रहा था कि ट्रक ड्राइवर पहले इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा पढ़ें और जानें, उसके बाद अपने बिजनेस प्लान्स को बनाएं। पैट ने सारी जानकारी को यूज करके एक वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट का पहला प्रोडक्ट फूड ट्रक कैसे शुरू करें इस नाम से था, जो कि फूड ट्रक ड्राइवरों के लिए एक गाइड था। यह वेबसाइट बहुत हिट हुई थी और इसने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि पैट ने अपना बिजनेस आइडिया बनाने के पहले PLAN यानी कि प्लान पर ध्यान दिया, इसीलिए वो अपने चुने हुए कस्टमर से सीधे बात करने में कामयाब रहे। अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को लेकर पैशनेट हैं, तो अपने कस्टमर्स की जरूरत और डिमांड को समझकर इसके साथ इस जुनून को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो द कस्टमर PLAN प्लान को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की, प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिडेशन। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपनी मां को अपना कमरा साफ करने का वादा कब किया था? क्या आपने सच में ऐसा किया? मुझे डाउट है कि जब सफाई की बात आती है तो आपने कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं किया होगा। ये एक लेसन है जो आपको अपने बिहेवियर से सीखना चाहिए। कभी भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करें, हमेशा फैक्ट्स और लॉजिकल रीजंस पर ध्यान दें, खासकर तब जब आप अपने बिजनेस को बनाने की शुरुआत कर रहे हों। उन वादों पर भरोसा न करें जो लोग आपसे करेंगे, क्योंकि आप उन पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें असली में उन वादों पर काम करता न देख लें। टिम फेरिस ने प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन की शुरुआत की थी। अपनी बुक द 4-आवर वर्क वीक में टिम ने एक स्ट्रेटजी का यूज करके हाइपोथेसिस के टेस्ट के स्टेप्स को समझाया है। इस स्ट्रेटजी का नाम था टेस्टिंग द म्यूज। एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारे आइडिया को कोई ऑडियंस मिलेगी भी या नहीं। टिम ने 2 टेस्ट किए। उन्होंने योगा इंस्ट्रक्शन डीवीडी और टी शर्ट बेचने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या इन प्रोडक्ट के पास ऑडियंस है या नहीं। उन्होंने गूगल एडवर्ड को यूज करने का फैसला किया। ये एक टूल है जो बिजनेस ओनर्स को इंटरनेट पर एड डालने में मदद करता है ताकि लोग उसे देख सके।
अगर लोग इन एड्स पर क्लिक करते हैं और बाय का बटन दबाते हैं तो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल माना जाता है। दूसरी ओर अगर कोई भी इन एड्स पर क्लिक नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेट यूज करने वालों में इसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह का प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिक पाएगा। इस सिचुएशन में बिजनेस ओनर को अपने प्रोडक्ट को तब तक एडजस्ट करते रहना चाहिए जब तक कि उसे ऐसी ऑडियंस न मिल जाए जो प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो। टिम के लिए यह सिर्फ एक टेस्ट था, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट पर जो भी एड डाले वो असली नहीं थे। अगर कोई इंसान एड पर क्लिक करता था तो वो एक पेज पर पहुंच जाते जो उन्हें बताता था कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। पर टिम इसके बाद भी ट्रैक कर सकते थे कि कितने लोगों ने एड पर क्लिक किया। क्लिक के नंबर का यूज करके टिम सही तरीके से यह जान सकते थे कि कितने लोग इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए अगर टिम ने इन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने और बनाने का फैसला किया तो वो गेस के आधार पर नहीं बल्कि रियल फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। टिम ने अपनी बुक में इस स्ट्रेटजी के बारे में लिखा था, जिसके बाद बहुत से बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर ने उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कोई सही तरीका है यह पता करने का क्या आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि बिजनेस शुरू करना हमेशा से एक जुआ यानी कि गैम्बल होता है और यह एक ऐसी चीज है जो कई अलग अलग कारणों से अफेक्ट होती है। तो आप ठीक तरह से तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप कोशिश नहीं करते। पर आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने बिजनेस प्लान को तेजी से आगे लेकर जाने से पहले अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। वैलिडेशन स्ट्रेटजी आपके बिजनेस आइडिया के रियल फैक्ट्स को खोजने में आपकी मदद कर सकता है, इसीलिए वहां से शुरू करें। अगर आपके पहले टेस्ट में आपकी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो आप लकी हैं। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक नहीं है और आपको अपने आइडिया के लिए कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट में तब तक सुधार करते रहना चाहिए जब तक कि आपको वो आइडिया न मिल जाए जो सच में काम कर सके। याद रखें कि आपका पैशन जारी रहे, अपने पैशन को छोड़कर पैसे कमाने पर ध्यान न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप एक ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो आपको खुश नहीं कर पाएगा। इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर, द वैलिडेशन मेथड। पिछले चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ वैलिडेशन मेथड के बारे में बात की। इस चैप्टर में हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनको फॉलो करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका आइडिया कोशिश करने के लायक है या नहीं। वैलिडेशन मेथड में चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑडियंस खोजने की जरूरत है जो आपको आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। कुछ लोगों के पास पहले से ही इंटरनेट पर फॉलोइंग होती है, इसलिए जब उनके पास कोई बिजनेस आइडिया हो वे अपने ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास फॉलोइंग नहीं होती और उन्हें एड, गेस्ट पोस्टिंग और फोरम जैसी स्ट्रेटजीज को यूज करना पड़ता है। दूसरा, आपको अपने चुने हुए ऑडियंस में से एक ग्रुप को चुनने की जरूरत है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो या वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो। तीसरा, आपको अपने चुने हुए ग्रुप से जुड़ने और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताने की जरूरत है। इस स्टेप में यह इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंट हों। डरना नहीं है, क्योंकि भले ही वो आपको बताएं कि आइडिया उन्हें अच्छे नहीं लगे, मगर फिर भी आप ये जान सकते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। आपके आइडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में जानना आपको आपके प्लान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगी। चौथा स्टेप, पेमेंट के लिए पूछना है। किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करने के लिए कहना जिसे आपने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। डेरेक हेल्पन एक ब्लॉगर हैं। उन्होंने 2011 में एक ब्लॉग की शुरुआत की थी और उनका गोल लोगों को साइकोलॉजी और बिजनेस से जुड़ने में मदद करना था। वो ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए जाने जाते हैं जो हमेशा ऐसे एक्शन और स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिन्हें रीडर्स फॉलो कर सकते हैं। डेरेक ने एक बार पैट को ईमेल किया और अपना इंट्रो दिया। फिर उसने पैट को एक स्ट्रेटजी के बारे में बताया जो अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए उसे यूज कर सकते थे, क्योंकि पैट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे
इसलिए डेरेक के बताए हुए सॉल्यूशन ने उनकी बहुत मदद की। पैट ने इन टिप्स पर काम किया और वो सरप्राइज थे कि वो टिप कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। डेरेक ने पेमेंट के लिए नहीं पूछा, इसीलिए पैट ने थैंकफुल होने की जरूरत समझी और उसे पूछा कि क्या वो बदले में कुछ कर सकते हैं। डेरेक ने फिर भी पैसे नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने पैट को अपनी एक वेबसाइट पर रिव्यू देकर उनकी मदद करने के लिए कहा। पैट ने उस वेबसाइट को चुना जिसे डेरेक ने देखने के लिए कहा था और पैट ने डेरेक को वैल्यूएबल फीडबैक दिया, क्योंकि डेरेक ने पैट के लिए जो काम किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पैट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेरेक के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने डेरेक और अपनी वेबसाइट पर किए गए जादू को बताते हुए एक वीडियो भी बनाया। पैट को पता नहीं था कि डेरेक ने उसे अपनी स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया था, जो थी बड़े ऑडियंस तक अपनी पहचान और पहुंच बनाने की। डेरेक ने सिर्फ पैट से बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कई और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ईमेल भेजे थे। अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद डेरेक को बहुत सारी ऑडियंस जानने लगी। ये डेरेक की एक ऑडियंस खोजने और उस ऑडियंस का यूज अपने बिजनेस आइडिया को परखने यानी वैलिडेट करने की स्ट्रेटजी थी। आप इस चैप्टर से चार स्टेप्स को फॉलो करके अपनी खुद की वैलिडेशन स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। और अब वक्त है इस गजब की समरी के कंक्लूजन को पढ़कर और सुनकर लर्निंग्स को रिवाइज करने का, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं। बहुत सारा पैसा कमाना इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर का गोल बन गया है। ये बहादुर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, नए बिजनेस आइडिया को ट्राई करने की कोशिश करते हैं और अपने ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको लगता होगा कि सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खुश हैं, लेकिन उनमें से कुछ असल में दुखी हैं। जैसा कि आपने इस बुक से सीखा, आपने सीखा एक ऐसे बिजनेस आइडिया को फॉलो करना जो आपको अमीर बनाएगा। कोई आइडिया आपके लिए हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। आपको एक ऐसे आइडिया को खोजने की जरूरत है जो आपको अमीर और खुशहाल दोनों बना सके। आपने यह भी सीखा कि यह देखने के लिए कि आपका आइडिया आपके फ्यूचर के सपनों के साथ सही बैठता है या नहीं, उसे कैसे टेस्ट करें। आपने सीखा कि आप एयरपोर्ट के टेस्ट का यूज करके कैसे फ्यूचर में 5 साल आगे की जर्नी प्लान कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपके बिजनेस आइडिया को आपके सपनों को पूरा करना चाहिए, इसका टेस्ट किया जाना चाहिए, अच्छी तरह से स्टडी की जानी चाहिए और इसे परखना चाहिए। इसीलिए अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक ऐसे आइडिया की खोज शुरू करें जो आपको खुश और अमीर दोनों बना सके। अब मेरा सवाल आपसे यह होगा कि यह समरी आपको कैसी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सीधा यही कहूंगा कि इस बुक की वो 2-3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए जिसने आपके दिल को छू लिया हो, जिसने आपके दिमाग को हिट किया हो कि ये तो बहुत कमाल की बात थी, ताकि जब आप उसे टाइप करें कमेंट सेक्शन में, ताकि वो आपके दिलो दिमाग दोनों पर छप जाए। और दोबारा जब आप इस समरी को सुनने के लिए आए तो अपने लिखे हुए कमेंट को पढ़ें और फिर दोबारा सुनते हुए जब भी आपको कोई दूसरा पॉइंट टच करे इंपॉर्टेंट तो उसे भी टाइप करें, ताकि आपके टाइप किए हुए कमेंट औरों के भी काम आ सके। लर्निंग को शेयर करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं।